जब मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था नेटफ्लिक्स के ऊपर तो इस मूवी का पोस्टर मेरे सामने आया भी था। मैंने इसलिए इसे इग्नोर कर दिया क्योंकि यार ये पोस्टर में दिखने पर मुझे चाइनीज सी फील हो रही थी कि यार चाइना की मूवी है और मुझे चाइना का माल नहीं देखना है। फिर कुछ टाइम बाद मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि यार ये मूवी देख काफी बढ़िया, और तब मुझे पता चला कि भाई ये चाइनीज मूवी नहीं है, ये तो प्यारे प्यारे जो मीठे मीठे लोग हैं यानी साउथ कोरिया के जो लोग हैं उनके द्वारा बनाई गई ये मूवी है। तो आज के मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाले अपराइजिंग मूवी के बारे में। तकरीबन इसकी जो लेंथ है वो 2 घंटे के आसपास रखी गई है और इसको नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। अब इतना ही सुनते भाग मत जाना कि आप ये मूवी देखने चले जाओ, पहले कम से कम ये वीडियो तो देख जाओ, मेरी समझदारी वाली बातें तो सुन जाओ, क्यों मेरे वॉच टाइम की वाट लगा रहे हो। तो हम बात करेंगे कि मूवी के अंदर क्या अच्छा है, क्या इसके अंदर कमियां है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कहानी पर आते हैं। कोरिया का वो समय दिखाया गया है जब वो युद्ध की स्थिति से गुजर रहा था, हालांकि इसमें सच्चाई नहीं दिखाई गई है, बस उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अपनाया गया है कि युद्ध वाली सिचुएशन दिखा देंगे। तब यहाँ पर जैपनीज ने कोरिया के ऊपर अटैक कर दिया था, कोरियन पेनिनसुला के ऊपर जैपनीज का अटैक यहाँ पर दिखाया जाता है। तो वहां पर कोरिया में एक गुलाम और मालिक का शासन चला करता, मतलब टाइम चला करता था कि गुलाम होते हैं कुछ लोग, कुछ मालिक होते हैं यानी कुछ शासक होते हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें दिखाया गया। तो एक ऐसे ही गुलाम कह लो सियोन जिसका नाम होता है और एक मालिक का एक बेटा होता है जिसका जोंग नाम होता है, दोनों बचपन से ही काफी ज्यादा एक समझ लो कि दोस्त बन जाते हैं क्योंकि दोनों तलवारबाजी में एक दूसरे से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जो गुलाम जो लड़का होता है सियोन वो काफी अच्छी मार्शल आर्ट और तलवारबाजी में एक्सपर्ट है, जिससे वो अपने मालिक के बेटे जोंग को सिखाता है, जिसके चलते उन दोनों में दोस्ती होती है। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो यही दोस्ती उनकी दरार मतलब की दुश्मनी में बदल जाती है। वो कैसे बदल जाती है तो देखो इसके लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और ये गुलाम और मालिक का जो ये शासन इसके अंदर दिखाया गया है, वक्त जो इसके अंदर दिखाया गया है, इसको जानने के लिए कि कैसे आया है, कैसे इससे बाहर निकलता है कोरिया, या जैपनीज ने ये जो कोरियन पेनिनसुला के ऊपर अटैक कर दिया था तो कोरिया ने कैसे अपने देश की रक्षा की, हालांकि मनगढ़ंत चीजें यहां पर दिखाई गई हैं क्योंकि देखो उस कॉन्सेप्ट पे नहीं आते हैं क्योंकि वो एक हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है और हम हिस्ट्री नहीं मूवी डिस्कस करने बैठे हैं। तो यहां पर एक समझ लो कि इमेजिनरी चीजें दिखाई गई हैं, वो सच्चाई नहीं है इसके अंदर। तो कोरिया ने कैसे अपने जमीन को बचाया या अपने देश को बचाया, ये सब चीजें इसमें देखने को मिलती है। और यहां पर एक राजा पॉलिटिक्स को लेकर चीजों को दिखाया गया। देखो बहुत कुछ है मूवी में जो हमें देखने को मिलता है, केवल ये यारी दोस्ती वाला एंगल तो है ही, इसमें दुश्मनी को बदलता और भी बहुत चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। अब उनके बारे में अगर मैं विस्तार से बताने बैठा तो ये वीडियो की लेंथ मूवी से भी ज्यादा लंबी हो जाएगी और वो मैं नहीं चाहता, वैसे भी वॉच टाइम बहुत कम आता है और इसके चलते और ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये हो गई इसका मूवी की कहानी की चर्चा। अब बात करते हैं कि मूवी में क्या अच्छा है। जो कहानी इसके अंदर दिखाई गई है या डेवलप की गई है या फिर कौन जो स्क्रीन प्ले इस मूवी का है, वो बहुत ज्यादा बढ़िया, सिनेमाटोग्राफी मूवी की काफी ज्यादा शानदार है। और जो इसके मेन जो जान कहूंगा इस मूवी की वो है इसमें फाइटिंग सीक्वेंस, खासकर वो तलवारबाजी वाला फाइटिंग सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है, वो बहुत ज्यादा सुंदर है। देखो मुझे ये तलवारबाजी वाले कॉन्सेप्ट इतने खास पसंद नहीं आते, लेकिन यहां पर मुझे ये चीजें पसंद आई क्योंकि उसको बहुत सुंदर तरीके से यहां पे दिखाया गया, बहुत स्लो मोशन पे। और एक तलवारबाजी वाले कॉन्सेप्ट में जैसे मैंने बहुत सारी मूवीज में देखा है जहां पर तलवार से दो लोग लड़ते हुए दिखते हैं तो वो बड़ा ही फेक सा लगता है, उसमें चीजों को सही ढंग से एकदम विस्तार से बहुत क्लियरिटी से उन चीजों को नहीं दिखाया जाता है, बस कैमरे को इधर उधर कर देंगे, एक दूसरे को तलवार लगाते हुए दिखा देंगे, बस इतने। लेकिन यहां पर प्रॉपरली उन चीजों का ध्यान रखते हुए एक तलवारबाजी को बड़े ही स्लो मोशन में भी उन चीजों को दिखाया, बहुत बढ़िया एक्शन है इसके, मतलब वो वन ऑफ द बेस्ट चीज कहूंगा इस मूवी की। इसके अलावा और जो चीज आपको अच्छी लगी कि वो गुलाम और मालिक वाला कॉन्सेप्ट इसमें दिखाया गया, वो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। देखो मूवी जब स्टार्ट होती है थोड़ा बहुत आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपका इस मूवी के अंदर इंटरेस्ट बन जाएगा। मूवी की कहानी जो है वो हिस्टोरिकली मतलब हिस्ट्री से लेकर और पर्सनल कैरेक्टर की कहानी को लेकर एक मिक्स करके एक इमेजिनरी कहानी बनाई गई जो देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगती है। फिर इसके अलावा जो एक एंड में आप कह लोगे कि यारी दोस्ती का वाला जो एक इमोशनल एंगल हमारे सामने निकल कर आता है, देखो वो वाला सीन मैंने 3 से 4 बार देखा क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद आया। एक तो एंड की जो फाइट है वो काफी ज्यादा बढ़िया है और वहां पर एक यारी दोस्ती वाला एंगल भी निकल कर आता है, तो वो सब चीजें आपको बहुत ज्यादा भावुक कर देंगे, इमोशनल कर देंगे। अब इसके अलावा एक जो पॉलिटिकल चीजें इसमें दिखाई गई हैं वो भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि जो गुलाम और मालिक वाला कॉन्सेप्ट इसमें दिखाया गया कि गुलामों ने जब जापानीज अटैक करते हैं कोरिया पर तो गुलामों ने कैसे अपने जानों की बलिदान देकर अपने देश की रक्षा के लिए आगे आए, लेकिन बावजूद उसके जो यहां का जो राजा है कोरिया का उन्होंने उन बलिदानों को बिल्कुल भी एक तरीके से निकार दिया, उसको एकदम अनदेखा कर दिया कि यार ये तो गुलाम है, गुलामी करने के लिए पैदा हुए, और उन पर और ज्यादा अत्याचार उसने करने शुरू कर दिया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप देखते हैं तो
आपको बहुत ज्यादा पसंद आता है। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करूं तो मूवी का काफी ज्यादा बढ़िया है, मतलब जहां पर एक इंटेंस सीन आना होता है तो उसके पीछे जो सॉन्ग या फिर साउंड जो म्यूजिक आता है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, उस इंटेंस सीन को और ज्यादा बढ़ा देता है, इंटरेस्ट बढ़ा देता है उसके अंदर। फिर यहां पर अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो हां, सबने बहुत बढ़िया काम किया, इवन जो भी स्पोर्टिंग एक्टर आप देखते हैं या फिर कोई भी कलाकार आप मूवी के अंदर देखते हैं, उन्होंने बहुत ईमानदारी से अपने काम को किया। तो ये हो गई इस मूवी की काफी ज्यादा अच्छी अच्छी बातें। इसके अलावा हम बात करते हैं इस मूवी में क्या कमियां हैं। मूवी की जो कहानी दिखाई गई वो काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, आप आसानी से एक तरीके से अंदाजा लगा लो कि हाँ यार इसके एंड में क्या होने वाला है। जहां पर एक डेप्थ की जरूरत थी मूवी के अंदर वो सब चीजें इसमें नहीं है। देखो मूवी के अंदर काफी सारे आयाम या काफी सारे फैक्टर्स इसके अंदर दिखाए गए, जैसे यारी दोस्ती का हो गया, जैपनीज का हो गया, गुलाम और एक मालिक का कॉन्सेप्ट हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें दिखाए गए, तो उन पर सही ढंग से मतलब फोकस नहीं किया गया। कोई एक कॉन्सेप्ट पकड़ लेते उसके ऊपर अच्छे से फोकस कर लेते, नहीं, यहां पर सबके ऊपर फोकस करने के चक्कर में तो थोड़ा बहुत एक तरीके से समझ लो कि बैलेंस बिगड़ गया है। और एक सबसे ज्यादा वीक पॉइंट मुझे इस मूवी में लगा वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट का। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट में इसमें बहुत ज्यादा कम फोकस किया गया है, कि जब भी किसी कैरेक्टर की आप देखते हैं इसके अंदर को फाइटिंग होती है या फिर आपको उससे कोई भी कनेक्शन फील नहीं करते कि यार इसको कुछ हो जाएगा या कहीं मर जाएगा या फिर इसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, तो वो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि यार ठीक है चल रहा है हम देख रहे हैं। तो वो कैरेक्टर डेवलपमेंट के पीछे तो ये मूवी काफी ज्यादा वीक रही है। फिर इसके अंदर एक टाइम को लेकर चीजें दिखाई गई, एकदम से मूवी 12 साल पहले चली जाती है, पीछे चली जाती है, पास्ट में चली जाती है, फिर एकदम 7 साल बाद चली जाती है। तो ये जो टाइम वेरिएशन इसके अंदर दिखाया है वो एक हजम नहीं होता, क्योंकि 7 साल बाद की जैसे इसमें दिखाते हैं कि युद्ध होते हुए 7 साल हो गए और 7 साल बाद पता ही नहीं चलता यार इस युद्ध को 7 साल बीत चुके हैं, क्योंकि आप जो भी कैरेक्टर इसके अंदर देखते हैं उनके अंदर जत्ती भर भी चेंज नहीं आया होता, आपको लगता है कि यार ये 7 सेकंड पहले की बात है, मतलब मूवी में तो ऑब्वियसली वैसा है, लेकिन यहां पर चीजों को फोकस किया जाना चाहिए था कि यार उनके ड्रेसिंग पर, उनके फेशियल पर और भी मेकअप हो गया उनके ऊपर फोकस होना चाहिए था कि हां लगे कि यार हां यार इस चीज को 7 साल, युद्ध खत्म हुए 7 साल, तो वो वाली फीलिंग नहीं होती इसमें। तो ये हुई मूवी की कुछ कमियां। ओवरऑल अगर बात करूं तो देखो एक डिसेंट स्टोरी के साथ ये मूवी आती है, हाँ थोड़ा बहुत आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे, उसके अलावा गुलाम और मालिक का कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपको पसंद आएगा, यारी दोस्ती वाला कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ सकता है, फाइटिंग सीक्वेंस आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगे, और मूवी में कोई वल्गर सीन नहीं है, नहीं कोई गाली गलौज या फिर आपको कोई न्यूडिटी ऐसा कुछ भी इसमें नहीं दिखाया गया। हाँ वायलेंस है मूवी के अंदर, सर कटते हुए, हाथ कटते हुए, उंगली कटते हुए, ये सब चीजें दिखाते हैं, बाकी आप अपने ऊपर देखिए कि आपको ये सब चीजें देखनी है नहीं देखनी। मेरी तरफ से तो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 7.5/10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर हिंदी डबिंग की बात करूं तो हाँ बहुत बढ़िया हिंदी डबिंग लगी, मतलब हर एक करेक्टर पर वॉइस सूट कर रही थी। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।